हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 6 मैथमेटिक्स की बच्चों वर्कशीट है, जो आपके लिए 11th अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में टॉपिक पढ़ेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। यानी एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम किस तरह से बाइसेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ये आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। इंट्रोडक्शन। अ लाइन और रे और अ सेगमेंट दैट डिवाइड द गिवन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। यानी कोई भी लाइन रे सेगमेंट जो कि एक लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। और उसमें जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल रहेगा। जैसे हमारे पास ई एफ एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर हमने इस तरह से एक रे डाली, ठीक है, एक हमने जो है यहाँ पर लाइन ली। और जब ये लाइन हमने इसके ऊपर ड्रॉ की है तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितने के बन रहे हैं, सारे एंगल, ये सारे एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द मिडल लाइन ऑफ ए कॉपी और अ बुक विच डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स एंड इज़ परपेंडिकुलर टू इट, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखिए ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये क्या है, ये इस बुक को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर और कंपास। रूलर और कंपास की हेल्प से हम किस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट पे, वो हमें सीखना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, मान लीजिए ई और एफ हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, विद ई सेंटर, हम ई सेंटर से जो है कंपास ओपन करेंगे, मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हम कंपास ओपन करेंगे। और हम एक जो है यहाँ पे एक आर्क बना देंगे ऐसे, उसके बाद हम एफ को सेंटर मानते हुए एक आर्क ऐसे बना देंगे, तो ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में देखिए हमने ई से एक आर्क बनाई, एफ को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनाई, ठीक है, इस तरह से दो दो आर्क हमने दोनों तरफ बना दी। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को हमने इस तरह से रूलर की हेल्प से हमने ई और एफ सेगमेंट को टी पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ऐसे, क्लियर है। अब यहाँ पर ई टी जो है वो किसके इक्वल है, वो हमारा टी एफ के इक्वल है, ये दोनों सेगमेंट हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंड यू वी क्या है यहाँ पे, ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसने इस लाइन को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ये जो होगा हमारा एंगल जो होगा यहाँ पर वो हमारा कितने का रहेगा, 90 डिग्री के रहेंगे, क्लियर है। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत आसान सी वर्कशीट है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए फर्स्ट जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लेना है 8.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया, आप रूलर को जो है हेल्प से मापते हुए 8.5 आपको यहाँ पर जो है क्या लेना है, लाइन सेगमेंट जिसका नाम हमने दे दिया है ए एंड बी। अब आपको अपना जो कंपास है उसको ओपन करना है हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा और एक आर्क यहाँ पर इस तरह से बना देनी है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर बी को सेंटर मानते हुए, पहले हमने ए को सेंटर माना, उसके बाद बी को सेंटर मानते हुए हमने इसको इस तरह से बाइसेक्ट कर देना है, इसको आर्क को जो है इसे काट देना है और एक रूलर की हेल्प से हमें इसको इस तरह से जो है खींच देना है लाइन नीचे, ठीक है बच्चों, ऐसे। अब यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ये टी हो गया, तो ये जो है क्या है, यू एंड वी, तो यू वी क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, ए और बी पे, जिसने टी पॉइंट से इसको क्या कर दिया, उसको जो है यहाँ पे जो है बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। और ये एंगल कितने का रहेगा, 90 डिग्री का, तो ये इस तरह से आपको अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कर लेना है। जब आप रूलर और कंपास की हेल्प से करोगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से ये हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू दिया गया है, ड्रॉ एस यू ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर। तो 6.4 सेंटीमीटर एस और यू हमने नाम दिया 6.4 सेंटीमीटर, एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें इसी तरह से जैसे हमने पहले किया बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मेजर ईच पार्ट, हर एक पार्ट को मेजर करना है, एंड ऑल द एंगल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनको हमें मेजर करना है। बहुत ही आसान है बच्चों, एस को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, यू को सेंटर मानते हुए एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, इसको हमने क्या किया, इसको हमने इस तरह से बाइसेक्ट कर दिया। ये जो पॉइंट है हमारा, मान लीजिए ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमारा टी रहेगा, ठीक है, ये हमारी यू है, ये हमारा वी है। अब आपको यहाँ पर मेज़र करना है, तो जब आप जो है यहाँ पर एस टी को मेज़र करोगे, एस टी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मेज़र करोगे, तो ये और टी यू जो है इज इक्वल टू टी यू, ये कितने की रहेगी, 6.4 को हाफ हाफ हो जाएगा ना, हमने बाइसेक्ट किया है, तो 3.2 सेंटीमीटर की आपकी यहाँ पर ये रहेंगी। क्लियर है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ। अब आपको यहाँ पर एंगल भी मेज़र करने हैं, तो एक एंगल ये आप नाम दे लीजिए, चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे चार एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो आप चारों जो एंगल होंगे तो आप लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये चारों के चारों एंगल आपके रहेंगे 90 डिग्री के। तो इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में आंसर लिख देना है, पहले आपको इस तरह से ये जो है फॉर्म करना है, उसके बाद आपको ये वाला आंसर लिख देना है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया हमारा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके बच्चों इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया गया है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, यूजिंग रूलर एंड कंपास डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट। अब रूलर और कंपास की हेल्प से आपको इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। बहुत ही आसान है, आपको एक जो है इस तरह से 16 सेंटीमीटर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका है ए और बी 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर, रूलर और कंपास की सहायता से ए को सेंटर मानते हुए आपको यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है एक नीचे, उसके बाद आपको बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क यहाँ दे देनी है, एक आर्क यहाँ दे देनी है, इनको ऐसे मिला देना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका टी रहेगा, ठीक है। ये टू पार्ट में हो गया, अब हमें फोर में करना है। फोर के लिए हम क्या करेंगे, ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क यहाँ दे दीजिए, टी को सेंटर मानते हुए एक आर्क जो है आपने ऊपर नीचे आर्क दे दी है, आप टी को सेंटर मानते हुए एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ पर दे दी है, अब आपको इनको मिला देना है, ठीक है। आप बच्चों थोड़ा सा जो है आप देख सकते हो, जब आप कंपास और रूलर की हेल्प से बनाओगे तो बहुत ठीक बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से सेम आपको यहाँ पे करना है, टी को सेंटर मानते हुए यहाँ पे दो आर्क देनी है, बी को सेंटर मानते हुए दो आर्क आपको यहाँ पर दे देनी है, उसके बाद इनको आपको मिला देना है। क्लियर है, अब देखिए अब आपको जो है यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो ये पॉइंट आपका मान लीजिए सी है, ये पॉइंट आपका डी है, आपको चारों पार्ट इक्वल दिखाने हैं ना। अब आप हमने जो है एक बार हाफ पे बाइसेक्ट किया, फिर हाफ हाफ को हमने हाफ हाफ में किया, तो वन टू, ये देखिए वन टू थ्री एंड फोर। तो अब आपको यहाँ पर आंसर में कैसे लिखना है, ए सी इज इक्वल टू सी टी इज इक्वल टू टी डी इज इक्वल टू डी बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, फोर सेंटीमीटर के। यही तो प्रूव करना था आपको, यही निकालना है, 14 सेंटीमीटर को आपने फोर पार्ट्स में इक्वल डिवाइड किया तो 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 16 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को 4-4 सेंटीमीटर में इक्वल डिवाइड किया बाइसेक्टर की हेल्प से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप यहाँ पे दिखा सकते हो 90 डिग्री, यहाँ पर भी दिखा दीजिए 90 डिग्री, और भी इम्प्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट, आई होप सभी बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, टेक केयर, बाय बाय।